Hello students, in the last video we have completed LTI system. Now in this video we will start with the next topic, that is called Fourier series. Okay, so aaj ki video mein hum log Fourier series ka analysis start karenge yahan par. Okay, to sabse pehle hame ye understand karna zaruri hai ki Fourier series hai kya, kis liye banai jati hai Fourier series, iska use kya hai. Okay, to Fourier series basically aapka, मान लीजिए आपके पास कोई पीरियोडिक सिग्नल है. ओके, पीरियोडिक सिग्नल है एक्सटी. ओके, यहां पर मैं कंटीन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज की बात करूंगा. ओके, कंटीन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज, जिसे हम बाय डिफॉल्ट फोरियर सीरीज ही बोल देते हैं. तो कोई पीरियोडिक सिग्नल है आपके पास एक्सटी, ठीक है, जो कि आपका नॉन साइनोसॉइडल है. ओके, यह आपका नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल है. तो फोरियर सीरीज है क्या आपकी? इस नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल, ठीक है, नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल जो कि पीरियोडिक है, को आप कन्वर्ट करते हैं साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल में. क्लियर है अच्छे से? तो ये होती है बेसिकली आपकी फोरियर सीरीज, अगर बिल्कुल ब्रीफ में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो, नॉन साइनोसॉइडल टू साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल कन्वर्जन. ठीक है, नाउ फोरियर सीरीज किसी भी सिग्नल की कब पॉसिबल होती है, मींस फोरियर सीरीज कब होगी? व्हेन सिग्नल जो है सेटिस्फाई करे ऑर्थोगोनैलिटी, मींस सिग्नल टू हैव फोरियर सीरीज इट शुड सेटिस्फाई ऑर्थोगोनैलिटी. ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये ऑर्थोगोनैलिटी आपका होता क्या है. ठीक है, जैसे कि आप ये बात समझिए कि जो ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो साइन या कोसाइन आपके सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, जैसे सपोज करिए अगर मैं यहां पर लिखूं आपके लिए साइन एन ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस के ओमेगा नॉट टी डी टी. ओके, तो अगर आपके K और N दोनों यहां पर इंटीजर हैं और दोनों इक्वल नहीं हैं, तो अगर मैं एक टाइम पीरियड की बात करूं 0 से T, या यू कैन टेक माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू, तो ये आपको हमेशा 0 आंसर देता है. तो इसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनैलिटी. ओके, क्लियर है अच्छे से? जैसे अगर आप चाहें तो ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, 0 से T साइन एन ओमेगा नॉट टी इंटू साइन के ओमेगा नॉट टी डी टी. अगर आपके फिर से के और एन इंटीजर हैं और दोनों इक्वल नहीं है, तो इट विल गिव यू द आंसर 0. दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनैलिटी. और अगर मैं नॉर्मली किसी भी सिग्नल की बात करूं, ठीक है, मान लीजिए दो सिग्नल है एफ टी और जी टी. ओके, तो जी टी इंटू एफ टी एक सिंगल टाइम पीरियड में, ठीक है, अगर इंटीग्रेशन आपका 0 आ जाए तो इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनैलिटी. आप कहेंगे एफ टी जी टी क्या है, आपके ऑर्थोगोनल है इन द इंटरवेल 0 से टी. ओके, यू कैन ऑल्सो टेक माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू फॉर अ सिंगल पीरियड. ओके, तो फोरियर सीरीज तभी एग्जिस्ट करती है जब सिग्नल ऑर्थोगोनैलिटी सेटिस्फाई करता है. ओके, नाउ व्हेन वी अप्रोक्सीमेट अ गिवन नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल, जब हम किसी नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल को अप्रोक्सीमेट करते हैं साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल में, तो हम लोग सिग्नल का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन अचीव करते हैं. ठीक है ना, सिग्नल परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन. ओके, विथ मिनिमम एरर, विथ मिनिमम एरर. क्लियर है अच्छे से? तो हमारा गोल ये होता है एक्चुअल में कि जब भी हम किसी सिग्नल को जो कि नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक है, पीरियोडिक साइनोसॉइडल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग सिग्नल का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन अचीव करते हैं विथ मिनिमम एरर. और यही है आपकी फोरियर सीरीज, ये आपको क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो ये थोड़ा सा थ्योरिकल पार्ट था आपको समझने के लिए कि क्या होती है फोरियर सीरीज, हम लोग साइन या कोसाइन ही क्यों यूज करते हैं फोरियर सीरीज के रिप्रेजेंटेशन में. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. क्लियर है? नाउ अब अगर मैं यहां पर अपना मेन एनालिसिस स्टार्ट करूं, तो यहां पर आपकी थ्री टाइप्स की फोरियर सीरीज हमें स्टडी करनी होती है. ओके,
तो एक आपकी जो फोरियर सीरीज होती है, फर्स्ट वन, इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज. ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज आपकी क्या होती है, देखिए कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे. एक्स टी फोरियर सीरीज है इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी. ओके, तो ये होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन. ओके, यहां पर जो ओमेगा नॉट है वो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं वाया यूजिंग टाइम पीरियड, क्योंकि ओमेगा नॉट होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड. ओमेगा नॉट आपके लिए अननोन नहीं रहेगा. जब भी आपको कोई सिग्नल दिया रहेगा जिसकी आप फोरियर सीरीज लिखना चाहते हैं, तो ओमेगा नॉट आपके लिए बहुत आसान है. जस्ट आप 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड कर दीजिए, आपको ओमेगा नॉट मिल जाएगा. ठीक है, मेन यहां पर जो कैलकुलेशन आपको करना होता है इस फोरियर सीरीज को लिखने के लिए, वो होता है आपका ए नॉट ए एन एंड बी एन का, ये कैलकुलेशन आपको करना होता है. ओके, तो यहां पर अगर मैं इन सब के फॉर्मूले आपके लिए लिख दूं, तो जो ए नॉट का फॉर्मूला होता है, ए नॉट है क्या, ए नॉट है डीसी वैल्यू और एवरेज वैल्यू. ओके, तो जो आपका ए नॉट का फॉर्मूला होता है एवरेज, मतलब एक टाइम पीरियड में एवरेज, 1 बाई टी माइनस टी बाय टू से प्लस टी बाय टू एक्स टी डी टी, मतलब आपको अपने सिग्नल एक्स टी का एवरेज निकालना है एक टाइम पीरियड में. तो एवरेज क्या होता है आपका, आपने क्या किया, एक टाइम पीरियड में सारे एक्स टी की वैल्यू को ऐड कर दिया, इंटीग्रेशन मतलब एडिशन होता है, सबको ऐड कर दिया और उस टाइम पीरियड की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, यही तो होता है ना आपका एवरेज वैल्यू. ठीक है, तो ये निकल गया आपका ए नॉट. नाउ अगर मैं बात करूं यहां पर ए एन के फॉर्मूले की, तो ये होता है आपका 2 बाई टी माइनस टी बाय टू से प्लस टी बाय टू एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी. ओके, सिमिलरली अगर बात करूं बी एन के फॉर्मूले की, तो 2 बाई टी माइनस टी बाय टू से प्लस टी बाय टू एक्स टी इंटू साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी. ओके, तो ये आपके फॉर्मूलेज होते हैं ए नॉट ए एन और बी एन के. ठीक है, यहां पर बहुत सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए. जैसे कि आप देखिए ए नॉट का फॉर्मूला हो चाहे ए एन का हो चाहे बी एन का हो, सबको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्स टी की नीड है. ठीक है, और अब आप देखेंगे कि एक्स टी के फॉर्मूले में ही आपको ये सब पुट करना है. तो ये दोनों एक्स टी हैं कौन से, जो ये एक्स टी है और जो ये एक्स टी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में यूज हो रहा है, दोनों एक्स टी क्या हैं आपके, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. तो यहां पर आप ध्यान से समझिए जो मैंने आपको डेफिनेशन दी है लास्ट स्लाइड में, कि फोरियर सीरीज इज अ कन्वर्जन ऑफ नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल टू पीरियोडिक साइनोसॉइडल सिग्नल. ठीक है, दैट मीन्स ये जो फोरियर सीरीज जो आप रिप्रेजेंट किए हैं, जो आप एक्स टी लिखे हैं, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन इन साइनोसॉइडल फॉर्म. और ये जो एक्स टी जो आप कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं ए नॉट ए एन और बी एन में, वो है आपका जो क्वेश्चन में दिया होगा आपको नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल. ये आपको क्लियर रखना है अच्छे से. ठीक है, नाउ एक और पॉइंट क्लियर रखना है आपको अच्छे से, कि ये जो आपके ए एन और जो आपके बी एन ये सब दिए हुए हैं ना, आगे जाके और भी कॉफिशियंट आएंगे, सी एन आएगा आपका कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज में. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सारे कॉफिशियंट होते हैं ये शॉर्ट फॉर्म है. ए एन बी एन का मतलब क्या है, ए एन का मतलब है आपका ए एन ओमेगा नॉट, बी एन का क्या मतलब है आपका बी एन ओमेगा नॉट. ओके, ये एक्चुअल में होता है बी ब्रैकेट में क्या है एन ओमेगा नॉट, एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको बी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती चली जाएगी. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये जस्ट शॉर्ट फॉर्म है ए एन एंड बी एन. ओके, क्लियर है अच्छे से. अब अगर मैं अपने इक्वेशन में वापस आ जाऊं फोरियर सीरीज के, जो कि यहां पर मैं इसे इक्वेशन नंबर वन दे देता हूं, तो आप देखिए इक्वेशन नंबर वन में है क्या क्या.
देखेंगे तो पहला वैल्यू ए नॉट जो है वो है आपकी डीसी वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ठीक है। और जो ए एन बी एन वाले जो कॉफिशियंट्स हैं, या जो आप बोले ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी और बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी, जो आपके टर्म्स हैं वो बेसिकली आपके ए सी टर्म्स हैं, क्योंकि वहां पर फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट है, साइन और कॉस प्रेजेंट है। तो अगर मैं आप कुछ कंक्लूजन्स आपको दूं, तो फोरियर सीरीज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज हमने लिखी है, वो है क्या बेसिकली आपका, वो है आपका डीसी टर्म प्लस एसी टर्म्स का कॉम्बिनेशंस। ओके, तो फोरियर सीरीज आपकी डीसी टर्म और एसी टर्म का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है अच्छे से? नाउ अगर आप बोले फोरियर सीरीज को आप ये भी कह सकते हैं, आपको पता है डीसी टर्म मतलब ऑक्सीलेशन नहीं होता, तो ये नॉन ऑक्सीलेटिंग टर्म, ओके, प्लस ऑक्सीलेटिंग टर्म। क्लियर है अच्छे से? तो एसी टर्म में आपका ऑक्सीलेशन होता है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है आपका नॉन ऑक्सीलेटिंग टर्म प्लस ऑक्सीलेटिंग टर्म का। क्लियर है अच्छे से? नाउ अब आपको ये पॉइंट भी समझना होगा कि कोई भी फोरियर सीरीज हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी फोरियर सीरीज हो, फोरियर सीरीज क्या है? फोरियर सीरीज एक तरह का प्रोसीजर है जो सिग्नल की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो फोरियर सीरीज क्या करता है? सिग्नल की इंफॉर्मेशन को, ओके, सिग्नल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है आपका। ओके, एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम लोग सिग्नल की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक तरीका है जिसके थ्रू हम किसी भी सिग्नल की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसका क्या मीनिंग है कि हर एक सिग्नल की जो फोरियर सीरीज होगी वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि जो हर एक सिग्नल है वो उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो यूनिक होती है। तो फोरियर सीरीज इज यूनिक, ओके, फॉर अ सिग्नल, फॉर वन सिग्नल। ओके, मान लीजिए कोई सिग्नल एक्स टी है, उसके लिए फोरियर सीरीज यूनिक होनी चाहिए। कोई भी दो सिग्नल की फोरियर सीरीज आपकी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि फोरियर सीरीज एक रिप्रेजेंटेशन है सिग्नल की इंफॉर्मेशन का और कुछ नहीं है। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर ये आपके कुछ थ्योरिकल पॉइंट्स थे जो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर एक टर्म की, जो कि है आपका एन ओमेगा नॉट। देखिए आप यहां पर इक्वेशन नंबर वन में, या आप कहीं भी देख सकते हैं, जहां जहां आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वहां पर भी एन ओमेगा नॉट आ रहा है, साइन या कॉस के साथ। एन ओमेगा नॉट की क्या मीनिंग है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका हार्मोनिक्स। ओके, हमें पता होना चाहिए कि किसी भी साइन या कॉस में जो ओमेगा नॉट होती है वो होती है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, और जो हायर ऑर्डर फ्रिक्वेंसीज होती है उसे हम कहते हैं हार्मोनिक्स। ओके, तो यहां पर एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको हार्मोनिक्स मिलते चले जाएंगे। मान लीजिए एन 10 है तो आप क्या बोलेंगे, 10th हार्मोनिक्स। एन अगर 2 है तो आप बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक्स, एंड सो ऑन। ओके, क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर हमें समझना होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर एक साइन या कॉस पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा नॉट, ठीक है। तो जो हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज 6 ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, 8 ओमेगा नॉट, एनी फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हार्मोनिक्स। ओके, तो आप फोरियर सीरीज को अगर ध्यान से देखें तो फोरियर सीरीज में किसी भी सिग्नल की जो इंफॉर्मेशन है वो इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक कंपोनेंट्स, या बोल सकते हैं सम ऑफ हार्मोनिक कंपोनेंट्स के टर्म्स में ही आपकी रिप्रेजेंट की गई है। ओके, क्लियर है अच्छे से? तो ये हमारा होता है फोरियर सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का बेसिक एनालिसिस। ओके, नाउ इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का यूज करके मैं नेक्स्ट फोरियर सीरीज बना सकता हूं, विच इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड एंगल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। ओके, तो ये जो फोरियर सीरीज है एम्पलीट्यूड एंगल फॉर्म, वो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का ही यूज करके आप बना सकते हैं। कैसे, आप ध्यान से देखिए इसे। देखिए यहां पर जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज है इक्वेशन नंबर वन में, ठीक है, वहां पर आपका साइन और कॉस दोनों का टर्म है। अगर मैं इस साइन और कॉस के टर्म को मिक्स करके एम्पलीट्यूड और एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं,
तो मेरी फोरियर सीरीज कहलाती है एम्पलीट्यूड एंड एंगल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। तो हम कैसे कर सकते हैं ये हम एनालिसिस करते हैं। ओके, सपोज करिए आपको कोई भी ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है ए कॉस फाई प्लस बी साइन फाई। ओके, नाउ यहां पर अगर मैं ए को रिप्रेजेंट कर दूं आर कॉस थीटा से और बी को रिप्रेजेंट कर दूं आर साइन थीटा से। ओके, क्लियर है अच्छे से? तो जो आपका आर है वो कैसे निकल जाएगा? देखिए, आप अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज वन। तो आर कितना हो जाएगा आपका? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है अच्छे से? नाउ अगर मैं थीटा की यहां पर बात करूं तो थीटा क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ओके, अगर आप बी बाय ए करते हैं तो आर आर कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स बी बाय ए। ओके, तो अब अगर मैं मेन इक्वेशन में ए और बी की यहां पर वैल्यूज पुट कर दूं तो ए क्या है? आर कॉस थीटा, साथ में क्या है? कॉस फाई। सेम आपका बी कितना है? आर साइन थीटा, और साथ में क्या है? साइन फाई। तो आर साइन थीटा इंटू साइन फाई। क्लियर है यहां पर तक अच्छे से? नाउ अब आप देखिए आर आपका कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या होता है आपका? कॉस ए माइनस बी। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं इसे? आर कॉस, ओके, आप चाहें तो आप थीटा माइनस फाई लिख सकते हैं या आप चाहें तो फाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। दोनों की मीनिंग आपकी जो है बिल्कुल क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं फाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर जो आपका आंसर आया है, ठीक है, उसमें आपका इक्वेशन एक्चुअल में था क्या? ए कॉस फाई प्लस बी साइन फाई, जिसे आपने लिख दिया आर कॉस फाई माइनस थीटा। ठीक है, जहां पर आर क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से आपका जो थीटा है वो कितना है आपका? टेन इनवर्स बी बाय ए। तो इसी का यूज करके अब अगर मैं अपनी एम्पलीट्यूड और एंगल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज लिखूं वाया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, तो वहां पर आपका फर्स्ट टर्म क्या था? ए नॉट। ओके, क्लियर है? प्लस समेशन ऑफ एन की वैल्यू वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप देखिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में समेशन के अंदर क्या था? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। नो डाउट एन एन आ रहा है आपका, ए एन बी एन, और एन की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें ए एन और बी एन कैलकुलेट भी करना होगा, इट्स ओके। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा को आपने क्या लिख लिया है? आर कॉस फाई माइनस थीटा। तो देखिए यहां पर आपने एग्जांपल जो लिया है, आपने लिया है ए और बी का, वहां पर क्या है? ए एन और बी एन है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? आर एन। ओके, तो आर एन। आगे देखिए आप, यहां पर कॉस है तो कॉस का कॉस आ जाएगा, फाई माइनस थीटा, मतलब देखिए फाई फाई वहां पर कितना है? वहां पर टर्म था ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी, तो फाई क्या है आपका? एन ओमेगा नॉट टी। ओके, तो आप फाई की जगह लिख दीजिए एन ओमेगा नॉट टी माइनस थीटा। थीटा जो है वो क्या है? टेन इनवर्स बी बाय ए, लेकिन वहां पर बी एन और ए एन है, तो क्या हो जाएगा? थीटा एन हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया रिप्रेजेंटेशन। ओके, मान लीजिए जब आप समेशन को ओपन करेंगे और एन इक्वल टू वन होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? आर वन कॉस ओमेगा नॉट टी माइनस थीटा वन। तो यहां पर इस तरीके से आप एन की अलग अलग वैल्यूज के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अगर मैं यहां पर आर एन को डिफाइन करूं तो आर एन आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। उसी तरीके से जो आपका थीटा एन है वो क्या हो जाएगा आपका? टेन इनवर्स बी एन अपॉन ए एन। क्लियर है अच्छे से? तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम्पलीट्यूड और एंगल फॉर्म में। ध्यान रखिएगा आप किस में भी रिप्रेजेंट करें,
जो आपका ए नॉट है, या यहां पर चाहते तो आप इसे आर नॉट बोल देते, वो डीसी वैल्यू है, वो हमेशा सेम रहेगी। इवन कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज में जहां हम सी एन निकालते हैं, वहां पर भी सी नॉट, ए नॉट और आर नॉट के क्या होगा, सेम होगा। तो डीसी वैल्यू का कैलकुलेशन हमेशा एक जैसा होगा, उसके लिए आपको वरी नहीं करना। मेन जो आपके साइनोसॉइडल टर्म्स है उसका रिप्रेजेंटेशन आपका चेंज होता रहेगा, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन, इंफॉर्मेशन तो वो वही कंटेन करेगा, ठीक है ना, क्लियर है अच्छे से। तो ये हमारा होता है एम्पलीट्यूड और एंगल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। अब इस फॉर्म में लिखने का बेनिफिट क्या है, हमने क्यों लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को इस फॉर्म में, तो ध्यान से समझिए। अब हमें एम्पलीट्यूड पता है आर एन, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा आपका आर जीरो। तो ध्यान से देखिए हम ग्राफ बना सकते हैं। आप देखिए यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं आर एन वर्सेस एन ओमेगा नॉट का, आर एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड। तो यहां पर देखिए जब एन की वैल्यू जीरो होगी स्टार्ट पे, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा आर जीरो, देख सकते हैं हम लोग, और आर जीरो हो चाहे ए जीरो हो, सबके सब क्या है आपके इक्वल होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। अब आप देखिए जब एन की वैल्यू आपकी वन होगी तो ये क्या बन जाएगा ओमेगा नॉट, और यहां पर क्या बन जाएगा आर वन। आर वन आपका क्या है अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर। जब आपकी एन की वैल्यू टू होगी तो टू ओमेगा नॉट, और यहां पर क्या हो जाएगा आर टू एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिला यहां पर कि आप यहां पर एम्पलीट्यूड का ग्राफ बना पाए, ठीक है ना, अपने फोरियर सीरीज के जो आपके कॉफिशियंट्स हैं उसको आपने प्लॉट किया, क्लियर है अच्छे से। नाउ सेम अगर आप चाहते तो आप एंगल का भी ग्राफ बना सकते हैं, ओके, लेकिन यहां पर एम्पलीट्यूड का ग्राफ हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं आपके सिर्फ एम्पलीट्यूड का ग्राफ ही ड्रॉ कर रहा हूं, ओके। नाउ जो नेक्स्ट फोरियर सीरीज हमारी होती है थर्ड फोरियर सीरीज, वो होती है आपकी कॉम्प्लेक्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, ओके, कॉम्प्लेक्स और एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। ये क्या होती है अब देखिए यहां पर इस सीरीज में एक्सटी जो है फोरियर सीरीज वो इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है आपकी समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, ओके। तो ये होती है आपकी एक्सपोनेंशियल या कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज। आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स है ई की पावर जे है और एक्सपोनेंशियल तो है ही क्योंकि ई की पावर जे है आपका, जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने साइन या कॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, क्लियर है, यहां पर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, ठीक है। नाउ यहां पर अब आप देखिए इसे, इसका जो सी एन होता है आपका जो हमें कैलकुलेट करना है फोरियर सीरीज कॉफिशियंट, ये क्या होता है आपका वन बाय टी माइनस टी बाय टू से प्लस टी बाय टू एक्स टी ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ओके। तो ये आपका होगा सी एन, बस आपको सी एन कैलकुलेट करना होगा और सी एन की वैल्यू आपको यहां पुट करनी होगी, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर जो हमने ए एन बी एन या सी एन के फॉर्मूलेस जो लिखे हैं अभी, उसमें मैंने जो आपकी लिमिट्स ली है वो माइनस टी बाय टू से प्लस टी बाय टू ली है, उसे हम जीरो से टी भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो बस आपका एक टाइम पीरियड कंप्लीट होना चाहिए, ओके। तो यहां पर इस कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज को मैं इक्वेशन नंबर टू से शो कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एक बात आपको समझनी होगी कि ये कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज से ही डिराइव की गई है, जिस तरीके से आपने एम्पलीट्यूड एंगल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज को डिराइव किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज से, तो आपकी कॉम्प्लेक्स भी इसी तरीके से डिराइव की गई है। मैं आपको डिराइव करके दिखा देता हूं, यहां पर ये कुछ अलग नहीं है कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज, ध्यान से देखिए आप, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज थी वो इस तरीके से थी ए नॉट समेशन एन की वैल्यू वन टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी, ओके। तो आपको पता है ए नॉट हो आर नॉट हो या सी नॉट हो, सबके सब आपके सेम है, तो मैं यहां पर सी नॉट लिख देता हूं,
मीनिंग सेम है, डीसी एवरेज वैल्यू हर जगह सेम होगी। यहां पर अब आप देखिए समेशन एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी ए एन। अब मैं यहां पर कॉस एन ओमेगा नॉट टी को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए इसे। कॉस एन ओमेगा नॉट टी को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय टू। क्लियर है अच्छे से। अब प्लस बी एन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी माइनस ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय टू जे। ओके, तो यहां पर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉस और साइन को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। क्लियर है अच्छे से। अब आप यहां पर देखिए ये जो आपका एक्स टी है वो अब कंप्लीटली एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेटेड है। ओके, तो यहां पर अब अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लूं आपके लिए, तो सी नॉट प्लस देखिए यहां पर समेशन एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी, ठीक है। यहां पर देखिए अगर ये जो समेशन के अंदर टोटल फोर टर्म्स हैं उसमें से अगर मैं ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी को कॉमन ले लूं, तो देखिए यहां पर क्या आएगा ए एन बाई टू, यहां पर क्या आएगा आपका, यहां पर हमारा आ जाएगा बी एन अपॉन टू जे, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ए एन बाई टू प्लस बी एन अपॉन टू जे। क्लियर है अच्छे से। अब यहां पर जो आपका ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी है अगर मैं उसे अब कॉमन ले लूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आप देखिए यहां पर देख सकते हैं, जब आप e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा ए एन बाई टू, इसे आप लिख दीजिए ए एन बाई टू। ओके, और यहां पर देखिए आप क्या बच जाएगा बी एन अपॉन टू जे, और सामने माइनस साइन है तो माइनस बी एन अपॉन टू जे, तो माइनस बी एन अपॉन टू जे ये आपने लिख दिया यहां पर। थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा सी नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी। यहां पर देखिए आप जो आपने लिखा है ए एन बाई टू प्लस बी एन बाई टू जे, इसका अगर मैं एलसीएम लेना चाहूं तो इसके लिए आसान तरीका क्या है कि आप इस जे को जो वन बाई जे है उसे आप माइनस जे लिख दीजिए न्यूमरेटर में, हमें पता है, ठीक है ना। अगर आप जे है टर्म और डिनोमिनेटर में लिखें तो वो माइनस जे हो जाएगा, या डिनोमिनेटर में प्लस जे है तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा माइनस जे। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, और यहां क्या हो जाएगा ए एन माइनस जे बी एन बाई टू, क्लियर है, प्लस ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी अगर ले ले यहां पे कॉमन जो आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो आपका क्या बचेगा यहां पर ए एन, यहां पर माइनस साइन है तो जब आप जे की जगह माइनस जे लिखेंगे न्यूमरेटर में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए एन प्लस जे बी एन बाई टू। ओके, यहां तक क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए आप, यहां जो एक्स टी आपका आया है ये हो जाएगा सी जीरो प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी। ओके, तो यहां पर जो ये आपका ए एन माइनस जे बी एन बाई टू है इसे हम नाम देते हैं सी एन, तो ये ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी इंटू सी एन हो जाएगा, क्लियर है, प्लस ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। अब यहां पर आप देखिए ध्यान से, अगर मैंने ए एन माइनस जे बी एन बाई टू को सी एन नाम दिया है तो यहां पर ये जो टर्म है आपका ए एन प्लस जे बी एन बाई टू ये क्या हो जाएगा आपका सी ऑफ माइनस एन, ठीक है ना, तो इसे हम नाम देते हैं यहां पर सी ऑफ माइनस एन। क्लियर है अच्छे से। तो ये आपका हो गया ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी सी एन प्लस ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी सी ऑफ माइनस एन, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है यहां पर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए इस पूरे तीनों टर्म्स को, कंप्लीट इक्वेशन को देखिए, ये जो सी नॉट है ये तो आपका एन इक्वल टू जीरो पर हो गया, ये जो सी एन है इंटू ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी है, और ये जो आपका सी ऑफ माइनस एन है
ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी है। अब अगर मैं इन दोनों को डिटेल में एनालिसिस करूं, दोनों का समेशन पहले अलग अलग कर लूं, तो यहां पर आप देखिए जो एक्स टी है आपका वो क्या हो जाएगा, सी नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी सी ऑफ माइनस एन ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। अब अगर आप सिर्फ इस टर्म को देखें यहां पर, ओके, तो इस टर्म में देखिए अगर मैं यहां पर एन की जगह एन वेरिएबल को चेंज कर दूं माइनस एम से, तो देखिए टर्म आपका क्या बन जाएगा, समेशन एम, एम का लिमिट्स आपकी आ जाएगी यहां पर, अंदर क्या बचेगा, सी ऑफ एम ई की पावर जे एम ओमेगा नॉट टी। क्लियर है अच्छे से? अब अगर यहां मैं एम की लिमिट्स की बात करूं तो एन इक्वल टू माइनस एम है, या एम क्या हो जाएगा, माइनस एन, ओके। तो यहां पर आप सिंपली ये भी कह सकते थे कि आपने एम इक्वल टू माइनस एन किया है, तो जब एन की वैल्यू वन है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन, और जब आपकी एन की वैल्यू इन्फिनिटी है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? अब आप जानते हैं कि समेशन में वेरिएबल को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जो लिमिट्स हैं आपकी एम की है, वेरिएबल एम है, इसकी जगह अगर आप सिंपली एन भी रख दें, अगर आप सिंपली बोलते कि आपने एन की जगह माइनस एन कर दिया है, तब भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपली अगर इक्वेशन को मैं इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करूं, सी नॉट एन की वैल्यू वन टू इन्फिनिटी सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस समेशन, अब यहां पर देखिए कंप्लीट वेरिएबल एम है, तो मैं इस कंप्लीट वेरिएबल को एन में चेंज कर देता हूं, माइनस वन टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, ओके। तो आप देख सकते हैं, देखिए एन की वैल्यू जीरो पर क्या है, सी जीरो, एन की वैल्यू वन टू इन्फिनिटी तक अवेलेबल है, एन की वैल्यू माइनस वन टू माइनस इन्फिनिटी तक अवेलेबल है, टर्म सेम है आपका, सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। तो इसे अब आप कंप्लीटली लिख सकते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एन की वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, ओके। तो ये बनती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज से कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज। क्लियर है अच्छे से? तो ट्रिग्नोमेट्रिक टू कॉम्प्लेक्स, क्लियर। नाउ यहां पर अब हमें और क्या क्या एनालिसिस करना है, मैं अब इसी कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज को अब आगे एक्सटेंड करना स्टार्ट कर रहा हूं। आप देखिए यहां पर जो आपका सी एन है उसे मैं अब थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा। सी एन था आपका 1 बाई टी माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू एक्स टी ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ओके। इस सी एन को अगर मैं थोड़ा सा एक्सपांड कर दूं तो 1 बाई टी माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू एक्स टी ई की पावर माइनस जे थीटा, क्या होता है आपका, कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा, ओके। तो हम यहां पर एक्सपांड कर देते हैं, कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी माइनस जे 1 बाई टी माइनस टी बाय टू से प्लस टी बाय टू एक्स टी इंटू साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ओके। क्लियर है अच्छे से? तो ई की पावर माइनस जे थीटा को हमने लिख दिया यहां पर कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा, क्लियर। नाउ अब आप यहां पर ध्यान से अगर इस टर्म्स को देखें, जो आपका फर्स्ट टर्म आया है एक्स टी इंटू कॉस एन ओमेगा नॉट टी इंटीग्रेशन के अंदर, तो ये फॉर्मूला आपका ए एन से बहुत मिलता जुलता है। ए एन का फॉर्मूला आपका क्या था, अगर आप पीछे स्लाइड में जाकर देखें इसे, तो ए एन का फॉर्मूला था 2 बाई टी माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। मतलब यहां पर 2 बस मिसिंग है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका सी एन है वो क्या हो जाएगा, ए एन बाई टू फर्स्ट टर्म माइनस, ध्यान से देखिए जे आपका अवेलेबल है, यहां पर देखिए यहां पर भी ये पूरा का पूरा बी एन है, सिर्फ 2 मिसिंग है,
तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, j bn by 2। और ऑलरेडी आपने जब डेरिवेशन किया था ना ट्रिग्नोमेट्रिक टू आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स, तो आपने देखिए यहां पर an माइनस जे बी एन बाई 2 को आपने cn ही लिया हुआ है, ठीक है, तो वही आपका दोबारा से प्रूव हो गया एक्चुअल में, ठीक है। नाउ अब आप देखिए यहां पर ये जो cn आपने लिख दिया, उसके बाद अगर मैं इस वाले cn वाले इक्वेशन जो एक्सपांडेड इक्वेशन था आपका, उसमें अगर मैं आपके लिए n की जगह माइनस n पुट करूं तो क्या आएगा इक्वेशन, हम देखते हैं यहां पर c ऑफ माइनस n। देखिए आप यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे ही आप n की जगह माइनस n पुट करेंगे, कॉस में माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 1 बाई टी माइनस टी बाय टू से प्लस टी बाय टू एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ओके, प्लस जे बाय टी माइनस टी बाय टू से प्लस टी बाय टू एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ओके। अब अगर मैं इस पूरे इक्वेशन का कॉन्जुगेट ले लूं, ओके, तो आप बोलेंगे कॉन्जुगेट जब आप लेंगे तो यहां पर जे की जगह माइनस जे हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको सी एन वाला इक्वेशन वापस से मिल जाएगा, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होगा आपके लिए, ये आपको समझना होगा। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर मैं डिराइव करने के लिए जा रहा हूं, समझिए, यहां पर सी ऑफ माइनस एन कॉन्जुगेट सी एन के इक्वल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बात पे, लेकिन कब नहीं होगा ये हमें समझना है। देखिए अगर मान लीजिए जो आपने सी एन का इक्वेशन लिखा है, ये एक्स टी जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक, जिसे आप फोरियर सीरीज में लिखना चाहते होंगे, तो यहां पर आप देखिए अगर ये एक्स टी जो है आपका कॉम्प्लेक्स होता है या इमेजिनरी होता है, ठीक है, तो सी एन में तो ये एज इट इज रह जाएगा, जो एक्स टी है वही का वही है, सी ऑफ माइनस एन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने एन की जगह माइनस एन किया था, तो एक्स टी में तो एन का कोई टर्म नहीं था, लेकिन जब आप सी ऑफ माइनस एन का कॉन्जुगेट करेंगे और अगर आपका एक्स टी जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो यहां पर तो एक्स टी एज इट इज रह जाएगा क्योंकि यहां पर आपने कोई कॉन्जुगेट नहीं लिया, लेकिन यहां पर जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो इस जे की जगह तो माइनस जे होगा, लेकिन साथ साथ में जो एक्स टी है अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो उसमें जो जे होगा उसकी जगह भी माइनस जे हो जाएगा, लेकिन यहां पर तो वो जे वैसी का वैसी रहेगा और यहां पर आपका जे की जगह माइनस जे हो जाएगा जब आप कॉन्जुगेट लेंगे, तो इस कारण से आपका सी ऑफ माइनस एन कॉन्जुगेट सी एन के इक्वल नहीं होगा, क्लियर है पॉइंट। तो वो कब होगा, सिर्फ वो तभी होगा जब आपका एक्स टी क्या होगा, रियल होगा, वेन एक्स टी इज रियल, ये काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑफ माइनस एन कॉन्जुगेट इज ऑलवेज इक्वल टू सी एन, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सी ऑफ एन कॉन्जुगेट इज ऑलवेज इक्वल टू सी ऑफ माइनस एन वेन एक्स टी इज रियल, ठीक है। और मैंने जैसा आपको अभी प्रीवियस स्लाइड्स में बताया हुआ है कि एक्चुअल में ये सी एन जो है शॉर्ट फॉर्म है, ये होता है सी एन ओमेगा नॉट, तो सी एन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू सी ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एन ओमेगा नॉट, कब होगा, जब एक्स टी रियल है, तो जब एक्स टी रियल होगा तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, और ये प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, अगर हमको याद हो तो हम लोगों ने इवन एंड ऑड सिग्नल स्टडी किया था, फिर हम लोगों ने इवन एंड ऑड सिग्नल फॉर कॉम्प्लेक्स सिग्नल स्टडी किया था, वहां पर यही आपका आया था कि अगर आपका एक्स एन इक्वल है एक्स ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एन के, तो इट इज कॉल्ड इवन कॉन्जुगेट, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है इवन कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, ये मैंने आपको स्टडी करवाया था। तो क्या बोल सकते हैं आपको कि सी एन इज इवन कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट सिमेट्रिक वेन एक्स टी इज रियल, क्लियर है अच्छे से, ये आपको पॉइंट बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, इसके बेस पे मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा आने वाली वीडियोस में, ओके। नाउ यहां पर अब आप देखिए, आपने सी एन अचीव कर लिया, सी ऑफ माइनस एन अचीव कर लिया, सी ऑफ माइनस एन का कॉन्जुगेट सी एन के इक्वल होगा, ये भी आपने प्रूव कर लिया। थोड़ा सा और एनालिसिस हम करते हैं, मान लीजिए मैं अगर मॉड ऑफ सी एन ले लूं,
तो मॉड ऑफ सी एन क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर बाय टू, ठीक है ना, क्योंकि वन बाय टू आपका आउटसाइड हो जाएगा, ए एन माइनस जे बी एन का मॉड क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा, अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका, अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर बाय टू। क्लियर है अच्छे से? तो अब आप देखिए यहां पर जो c ऑफ माइनस n है उसका मॉड क्या हो जाएगा, यहां पर आप देखिए c ऑफ माइनस n जो था यहां पर क्या हो गया था, प्लस हो गया था, मतलब ये था an एन बाई टू प्लस जे बी एन बाई टू, तो इसका मॉड भी आपका सेम हो जाएगा, अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर बाई टू। तो c ऑफ n का मॉड और c एन माइनस n का मॉड, दोनों का दोनों मॉड आपका क्या है, बिल्कुल सेम है। ओके, तो इसकी क्या मीनिंग होगी, अब आपकी इसकी मीनिंग ये होगी, मॉड मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो इसकी मीनिंग ये है कि एम्पलीट्यूड ऑफ सी एन, एम्पलीट्यूड ऑफ सी एन सेटिस्फाइज इवन सिमिट्री। क्यों? क्योंकि जब आप एन की जगह माइनस एन पुट कर रहे हैं तब भी आंसर आपका सेम आ रहा है, और हमें पता है कि अगर कोई रियल सिग्नल हो, मॉड ऑफ सी एन तो रियल है ना, वैल्यू रियल है, देख लीजिए यहां पर जे का कोई टर्म नहीं है, अगर कोई रियल सिग्नल हो उसमें आप n की जगह माइनस n पुट करें और वैल्यू आपकी सेम हो जाए तो इट इज कॉल्ड इवन सिग्नल। तो आप क्या लिख सकते हैं कि जो आपका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ सी एन सेटिस्फाई इवन सिमिट्री। क्लियर है अच्छे से? नाउ अब अगर मैं यहां पर फेस निकालूं सी एन का, ठीक है, एंगल ऑफ सी एन, तो ये क्या होगा, देखिए सी एन हमें पता है क्या है, ए एन माइनस जे बी एन बाई टू, तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर जे माइनस में है तो हमारा एंगल क्या आ जाएगा, हमारा एंगल आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स बी एन अपॉन ए एन, ठीक है ना, टू टू आपका कैंसल हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ये आपको क्लियर होना चाहिए ना, एंगल हम कैसे निकालते हैं। वैसे मैंने आपको कंट्रोल सिस्टम में बहुत डीपली स्टडी करवाया हुआ है कि आपको एंगल कैसे निकालना है, अगर आपको एंगल निकालने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कंट्रोल सिस्टम की वीडियोस रिफर कर सकते हैं, नाइक्विस्ट की, बोडे की, रूट लोकस की, सारी वीडियोस में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। ओके, तो यहां पर आपका एंगल ये आ गया। अब अगर मैं बात करूं सी ऑफ माइनस एन के एंगल की, तो ये क्या है, ए एन प्लस जे बी एन बाई टू, तो क्या हो जाएगा आपका फिर से c ऑफ माइनस n का एंगल, यहां पर दोनों प्लस में थे तो हो जाएगा tan इनवर्स bn एन अपॉन ए एन, टू टू फिर से कैंसल हो जाएगा, यही होता है ना हमारा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अब आप देखिए यहां पर अगर आप देखें cn का एंगल और c ऑफ माइनस n का एंगल दोनों सेम नहीं है, लेकिन अगर किसी एक में भी माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोनों सेम हो जाएंगे। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग यह है कि सी एन का एंगल जो है वो है माइनस सी ऑफ माइनस एन का एंगल, मतलब जब आपने एंगल निकालने के लिए एन की जगह माइनस एन पुट किया तो एंगल के इक्वेशन में आप देख सकते हो कि एक माइनस साइन के साथ दोनों इक्वल हो गए। तो हमें पता है जब एक्स एन इक्वल हो माइनस एक्स माइनस एन के तो इसे हम कहते हैं ऑड सिग्नल। तो जो आपका फेस है, फेस ऑफ सी एन सेटिस्फाई ऑड सिमिट्री। ओके, तो एंगल ऑफ सी एन क्या सेटिस्फाई करता है आपका, ऑड सिमिट्री, एम्पलीट्यूड ऑफ सी एन क्या सेटिस्फाई करता है, इवन सिमिट्री, और सी एन इटसेल्फ क्या सेटिस्फाई करता है, इवन कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट सिमिट्री। ओके, क्लियर है अच्छे से? नाउ ये सिमिट्री समझ लेने के बाद अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि सी एन का बाकी जो फोरियर सीरीज कॉफिशियंट्स हैं उनसे क्या रिलेशनशिप होता है। तो आप देखिए हमें पता है सी एन क्या होता है, ए एन माइनस जे बी एन बाई टू। ओके, तो मान लीजिए अगर आपको सी एन दिया हुआ है तो आप ए एन और बी एन कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है, सी एन दिया होगा तो कोई कॉम्प्लेक्स दिया होगा तो आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करिए, मतलब ए एन बाई टू जो होगा वो सी एन का रियल पार्ट होगा और माइनस बी एन बाई टू जो होगा वो सी एन का इमेजिनरी पार्ट होगा, कंपेयर कर लीजिए, ए एन और बी एन आपका कैलकुलेट हो जाएगा।
अगर सी एन सिर्फ रियल पार्ट है, सी एन में अगर सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है, दैट मीन्स आपका बी एन जीरो है. अगर सी एन में सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, दैट मीन्स आपका ए एन जीरो है. क्लियर है अच्छे से? अब यहां पर आप देखिए, अगर मैं यहां पर मॉड ऑफ सी एन की बात करूं, तो ये हमारा आया था अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर बाई टू. और हम जानते हैं हमने आर एन निकाला था जो कि था अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर. तो मॉड ऑफ सी एन क्या हो जाएगा? आर एन बाई टू हो जाएगा. क्लियर है अच्छे से? अगर मैं बात करूं सी नॉट की, तो सी नॉट आपका ए नॉट इक्वल टू आर नॉट के इक्वल हो जाएगा. तो आप यहां पर समझ पा रहे होंगे कि अगर आपने एक बार सी एन निकाल लिया ना, तो आपका सब कुछ निकल जाने वाला है, ए एन बी एन आर एन. तो हमेशा आप सी एन की तरफ जाइए. आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा हो, मान लीजिए एग्जाम में आपसे ए एन और बी एन पूछा है, तो वहां आपको दो दो कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, एक ए एन का और एक बी एन का. लेकिन आप सिर्फ अगर सी एन निकालेंगे, तो आपको सिर्फ सी एन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और ए एन और बी एन बाई कंपेरिजन आप निकाल सकते हैं. इवन आप आर एन निकाल सकते हैं मॉड ऑफ सी एन निकाल के, ठीक है ना? आर एन क्या है? टू मॉड ऑफ सी एन. क्लियर है अच्छे से? तो ये हमारा फोरियर सीरीज का एनालिसिस था, बेसिक्स था फोरियर सीरीज का. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बेसिक्स स्टडी करेंगे बट वाया एग्जाम्पल्स. मैं कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज को ही टारगेट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और वाया एग्जाम्पल आपके और बेसिक्स आपको क्लियर कराऊंगा. ओके? तो आपके न्यूमेरिकल भी होते चले जाएंगे और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए. अभी के लिए मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूं. थैंक यू.